चलिए कुछ और खबरों को विस्तार से जान लेते हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की रेड को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने निष्पक्ष कार्रवाई करार दिया है और इसमें किसी भी तरह की सियासत होने की बात से इनकार किया है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ उनके आवास और अलग अलग ठिकानों पर हुई सीबीआई की छापेमारी पर सियासत गर्म है। इस बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि सीबीआई एक निष्पक्ष जांच एजेंसी है जो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से ही कार्रवाई कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की रेड के पीछे किसी भी तरह की राजनीतिक द्वेष की भावना से इनकार किया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 10 वर्ष तक इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, आज उनका नाम पूर्व मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में आता है। उन्होंने जो कुछ किया है उनके सामने आ रहा है। उन्होंने कहा है कि मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, मेरे बारे में जो भी कुछ खोजबीन करनी है, जानकारी लेनी है, इंक्वायरी करनी है, सीबीआई करनी है, कोर्ट करना, सब करें, सर्च उसको स्वीकार करेंगे और मैं भी अपेक्षा करता हूं कि उनको सर्च स्वीकार करना चाहिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने बयानों के जरिए भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ सीबीआई की कार्रवाई पर अपनी मंशा एक बार फिर स्पष्ट की है, लेकिन विपक्ष सरकार पर अब भी बदले की भावना से ही कार्रवाई करने का आरोप लगा रहा है। विनोद मित्तल, जी मीडिया, फरीदाबाद। हरियाणा में पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान मुख्यमंत्री निवास पर सुरक्षा सेवा में तैनात रहे डीएसपी देशबंधु ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामलों में सरकारी गवाह बनने की पेशकश की है। हरियाणा में आजकल पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर पर हुई सीबीआई रेड का मुद्दा सरगर्म है। वहीं अब इस मामले को लेकर डीएसपी देशबंधु सामने आए हैं, जो कि हरियाणा में कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान मुख्यमंत्री के आवास पर तैनात थे और अब दावा कर रहे हैं कि उनके पास हुड्डा के खिलाफ चल रहे मामले को लेकर कई तथ्य हैं। साथ ही डीएसपी देशबंधु ने इस मामले में गवाह बनने की भी पेशकश की है और इसे लेकर सीबीआई को एक पत्र भी लिखा है। उन्होंने दावा किया है कि कई मामलों में, खासकर जमीन से जुड़े मामलों में, गड़बड़ी होती रही है। में मैंने यही लिखा है कि मैं काफ़ी साल मुख्यमंत्री निवास पर रहा हूं और सारी उसकी सुरक्षा और देख रेख मेरी जिम्मेवारी थी। मुझे वहां की सारी हरकतें और सारी गतिविधियों के बारे में नॉलेज होती थी, खबरें अंदर की मिलती थी, क्या वहां चल रहा था, कैसे काम होते थे। ज़्यादातर जो जमीनी मैटर उनमें तो खुलेआम में काम चलता था। साथ ही डीएसपी देशबंधु का कहना है कि गड़बड़ी के खेल में सरकार के साथ अधिकारियों की भी मिलीभगत रहती थी। उन्होंने कहा कि अगर जांच एजेंसी उन्हें गवाह बनाते हैं तो अपने दावे के पक्ष में एजेंसी के सामने वे सबूत पेश करेंगे। दुनिया का इतना ये हिसाब था इन्होंने किया है, वो सब पता लगना चाहिए, सब पब्लिक के सामने आनी चाहिए सारी चीज़ें। उस बारे में मैंने लिखा कि अगर मेरी ज़रूरत है जी। अगर वो चाहें, क्योंकि सीएम आवास से कंसर्न ही सारा सिस्टम है वो, तो मैं गवाही देने के लिए तैयार हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री के घर हुई सीबीआई की छापेमारी को लेकर सियासी गलियारों में पहले से ही बयानबाजी जारी है और अब डीएसपी देशबंधु के सामने आने के बाद मामला और गर्मा गया है। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, चंडीगढ़।